माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ भटोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस कप से 2 कप मैदा को छान कर लिया है। हमें मैदा को एक बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद आप इसमें 1/4 चम्मच नमक और 2 चम्मच दही को डाल दें और फिर इसे अच्छे से मिला लें। फिर इसमें थोड़े थोड़े पानी को ऐड करके इसका डो तैयार कर लें। हमें इसे हल्के हाथों से ही मिलाकर डो तैयार करना है, इसे ज़्यादा नहीं गूंथना है। अगर आप भटोरे को जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर को डालकर इसे तुरंत बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से इसे बनाएं। इस तरह से बनाने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अब डो अच्छे से तैयार हो चुका है, हमें इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं, आप इसे एक बार अच्छे से मिला लें, फिर इसके मीडियम साइज की लोई बनाएं। देखिए हमें लोई को इस तरह से अपने हाथों में लेकर अच्छे से रोल कर लेना है। इसके बाद आप जिस पे भटोरे को बेल रहे हैं उस पे थोड़े से तेल को डालकर फैला लें और फिर इस पे भटोरे को बेल लें। मैं इसे पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेल रही हूँ, आप चाहे तो इसे और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। हमें इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। इसी तरह से हमें बाकी भटोरे को भी बेल लेना है। फिर हमें कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को डालकर गर्म कर लेना है। मैंने इसमें थोड़े से डो को डाला है, ये देखिए ये ऊपर तैरने लगा, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद आप इसमें भटोरे को डाल दें। हमें इस तरह से बीच बीच में प्रेस करते रहना है। ये देखिए हमारा भटोरा अच्छे से फूल गया है, अब हमें इसे पलट देना है। आप भटोरे को मीडियम से हाई फ्लेम पे बनाएं। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। इसके बाद बाकी सभी भटोरे को इसी तरह से बना लें। मैंने इसे छोले के साथ सर्व कर लिया है। हमारा भटोरा बनकर रेडी है। ये देखिए हमारा भटोरा कितना ज़्यादा अच्छा बना है। अब मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए भटोरा हमारा कितना फूला फूला बना है।
अगर आप छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं।